अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज अपना प्रदर्शन जारी रखा और 85 सूत्री मांगों को लेकर आज भी उन्होंने प्रदर्शन किया। आज का प्रदर्शन उनका बड़ा अनोखा था। उन्होंने आज अस्थियों का विसर्जन किया, वो भी गंदे नाले में। किसकी अस्थियां थी, क्या है पूरी खबर, आइए दिखाते हैं इस पूरी खबर के अंदर। 86 सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कुछ दिन पहले कुलपति के पुतले का दहन किया था और आज पुतले की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। समय पर प्रवेश परीक्षा परिणाम और फीस वृद्धि सहित 85 सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संभाग के सबसे बड़े विश्वविद्यालय जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। दो दिन पूर्व भी प्रदर्शन के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने विश्वविद्यालय के बाहर कुलपति के पुतले का दहन किया था और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने किया, वो भी गंदे नाले में। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पिछले कुछ समय पूर्व वीसी साहब की शव यात्रा निकाली गई थी और वीसी साहब की शव यात्रा के आगे की जो विधि थी उसके अंदर हमने आज अस्थि विसर्जन किया है वीसी साहब का। पिछले चार दिन से हम लोग वीसी साहब के कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं परंतु वीसी साहब हमें नहीं मिल रहे हैं। वीसी साहब बाहर के घूमने के लिए गए हुए हैं, साचौर घूम रहे हैं, वहां कलेक्शन देख रहे हैं, लेकिन वीसी साहब हमें टाइम नहीं दे रहे हैं और 85 मांगों पर हमें कोई जवाब नहीं मिला है अभी तक। 20 दिन पहले एक कमेटी बना दी गई थी लेकिन उसका जवाब अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया और वीसी साहब के हम लोग डेली चक्कर काट रहे हैं परंतु वीसी साहब मिल नहीं रहे हैं। आज आपने ये अस्थियां कहां विसर्जित? आज हमने ये सरदार हॉस्टल के आगे हमने ये अस्थियां विसर्जन किया है। विसर्जन गंदे नाले में? हाँ, आज हमने ये गंदे नाले के अंदर विसर्जन किया है अस्थियों का। क्या प्रमुख क्या मांग रहे हैं? हमारी 85 सूत्रीय मांगों में से प्रमुख मांगे ये है, जो एग्जाम फोरम की जो फीसें बढ़ चुकी है, जो माइग्रेशन की फीसें बढ़ चुकी है, उनको लेकर हमें हमारी ये मांगे और प्रवेश परीक्षा परिणाम को लेकर हमारी मांग। आपका नाम? ललित दादी विश्वविद्यालय इकाई से।